हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाते हैं च्यवनप्राश जो विंटर में बहुत ज़रूरी होता है और सभी खाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हनी और उसके बाद हम उसके अंदर यूज़ करेंगे हल्दी। हल्दी को हमें भून के यूज़ करना है, कच्ची हल्दी हम यूज़ नहीं करेंगे। 2 स्पून हम यूज़ करेंगे हल्दी, 1 और 2 ये हो चुकी है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे गिलोय का पाउडर जो बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी होता है और च्यवनप्राश में भी यूज़ होता है। और उसके बाद यह है अश्वगंधा, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो करिए, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे आंवला, काली मिर्च और बड़ी इलायची, ये तीनों मैंने मिक्स करके एक ही साथ कर रखी हैं। और उसके बाद हम इसको 2 स्पून यूज़ करेंगे क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद ये है दालचीनी, ये दालचीनी का पाउडर है और ये साबुत भी आती है तो आप उसको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा होगा ये लौंग है, लौंग को पहले मैंने भूना है उसके बाद इसको पीस लिया है, ये भी हम 2 स्पून यूज़ करेंगे। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और लौंग के बाद आएगी सौंट, ये जो अदरक होता है उसको सुखाने के बाद इसको पीसते हैं, बट ये मार्केट में पीसी पिसाई भी मिलती है तो मैंने वही यूज़ करी है। और उसके बाद है ये दखनी मिर्च, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये गर्म होती है इसलिए इसको विंटर में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये है नीम का पाउडर, तो ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। ये हमने इसके अंदर ये 1 स्पून और ये 2 स्पून ऐड कर दी है। और इसके बाद ये है कूड़े की छाल, ये ऐसी होती है और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ अजीब सी लगती है बट इसको आप पीस कर छान कर यूज़ करिएगा जैसे मैंने की है। और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, हनी के अंदर। और ये उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जिनको डायबिटीज़ है वो ये बिल्कुल मत खाइएगा क्योंकि हनी जो है वो और ज़्यादा डायबिटीज़ को बढ़ा देगा, तो उनके लिए हम स्पेशल एक अलग से लेके आएंगे च्यवनप्राश। और ये अच्छे से मिक्स कीजिए, विंटर में बहुत अच्छा रहेगा। 1 चम्मच मॉर्निंग में और 1 चम्मच इवनिंग में खाइए और इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी होता है, होममेड है। और क्या क्या हमने इसके अंदर ऐड करा है वो भी हमें पता होता है तो इसलिए ये थोड़ा हेल्दी रहता है।